अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सबसे पहले वीडियोस को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, इसी तरह प्यार देते रहें। आज की वीडियो एयरपोर्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। बड़ा मज़े का व्लॉग आने वाला है। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आप में से 90% लोगों ने या तो इस चीज़ को देखा नहीं होगा, अगर देखा भी होगा तो बहुत कम देखा होगा, और दूसरे लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा इसका। और इस चीज़ को देखने के लिए हम जो जा रहे हैं, तकरीबन इधर से फ्लाइट है 2 घंटे की, अगर गाड़ी चला के जाओ तो वो 24 घंटे से भी ज़्यादा बन जाता है। अभी एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, 10 बजे प्लेन है। मैं और वाइफ जो है वो जा रहे हैं, फ्लाइट है हमारी बर्गन से थ्रमसो के लिए, और हम देखने जा रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स, ये छोटी सी आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, होता क्या है नॉर्दर्न लाइट्स, और उसके बाद आपको लाइव दिखाएंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कभी निकलती हैं कभी नहीं निकलती। तो नॉर्दर्न लाइट की हंट पे चलेंगे। आपको एयरबीएनबी भी मैंने बुक किया हुआ है, वो एक छोटा सा टूर आपको करवाऊंगा, थोड़ी सी डिटेल आपको उधर जाके बताऊँगा। अभी चेक इन करने लगे हैं, तो मिलते हैं फिर जाके प्लेन के पास पास या उसके अंदर। अभी बोर्डिंग हो गई है और आपको मैं प्लेन दिखाता हूँ जिस प्लेन में जाने लगे हैं। ये मैं पहली दफ़ा इस प्लेन में बैठूँगा, पहले दूसरे जिसके दूसरे इंजन होते हैं उसमें बैठने लगा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या होता है इसका। हाँ जी, अभी प्लेन में बैठ गए हैं और बिल्कुल छोटा सा प्लेन है, आपको मैं दिखाता हूँ। और तकरीबन फुल ही है इधर से। अभी इन्होंने बताया कि 2 घंटे और 20 मिनट की फ्लाइट है, और मिलते हैं आपको जाके थ्रमसो में। रास्ते में अगर नज़ारे कोई अच्छे लगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलो जी, प्लेन अभी उड़ने लगे हैं। टाटा बाय बाय। इधर भाई आते ही बर्फ इतनी तेज पड़ रही है, बर्गन में तो जरा भी नहीं था, बर्फ है ही नहीं थी, इधर इतनी तेज बर्फ पड़ रही है। ये दिखाता हूँ मैं, अभी अंदर जाकर बात करता हूँ, बाहर नहीं बात हो रही। हाँ जी जनाब, कैप शैप भी पहन ली है। अभी इधर से मैंने सोचा है कि बस पे जाना है, 42 नंबर बस जाती है इधर से सिटी सेंटर, और दो तरीके हैं, एक टैक्सी से आप चले जाओ और एक बस से चले जाओ। बस भी तकरीबन उतना टाइम लगाती है और टैक्सी भी उतना टाइम लगाती है, लेकिन हमने दो जगह चेंज करनी है बस जाके। मैंने खुद चूज किया क्योंकि घूमने फिरने आए हैं, तो अभी देखता हूँ 42 नंबर बस किधर से जाती है। और मौसम तो इधर काफ़ी ख़राब है, ये आपको दिखाता हूँ, ये अगर नज़र आ रहा है नॉर्दर्न लाइटा सानू इतों कितनी नज़र आनी है ने। लेकिन ट्राई करते हैं, बस को ढूंढता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। One hour later. अभी जो एयरपोर्ट वाली बस थी उधर से नीचे उतर गया हूँ। एयरबीएनबी पे जो अपार्टमेंट बुक किया हुआ था वो ज़रा 2-4 मिनट की दूरी पे है, तो अभी पैदल उधर जा रहा हूँ। आपको छोटा सा जाके टूर भी करवाऊंगा। बहुत ज़्यादा बारिश की तरह की स्नो हो रही है, इतनी स्नोफॉल नहीं कह सकते, लेकिन बारिश को बहुत तेज अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बहुत तेज जो है ना स्नोफॉल हो रही है, इससे तो हमारा बर्गन ही अच्छा भाई, एटलीस्ट स्नो तो नहीं होती उधर। अच्छा, तो अभी आपको छोटा सा जाके टूर भी करवाऊंगा, और साथ साथ बाहर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरी आंखें सारी।
गीली हो गई है, मोबाइल का कैमरा सारा गीला हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अभी आपको मैं अपडेट करता हूँ अपार्टमेंट ढूंढ के। हाँ जी, तो एड्रेस मिल गया था, इस जगह पे चाबी पड़ी थी, ओनर ने कोड बता दिया था, और ये अंदर का आपको विजिट करवाता हूँ। शूज शूज उतारने के लिए छोटी सी जगह बनाई है इन्होंने, बहुत प्यारी। और ये जैकेट वगैरह हैंग करने के लिए इंडोर। और ये आपको इधर से मैं टूर करवाता हूँ आगे का। ये एक छोटा सा हॉल बनाया है, बड़ा फिट किस्म का, किचन सारा कुछ अवेलेबल है, बड़ा फिट किस्म का सेटअप इसने बनाया हुआ है। और ये पूरा एस्थेटिक माहौल है। ये बेडरूम है इधर इस जगह पे। और ये इधर से बाहर का व्यू है, लेकिन अभी बहुत तेज बारिश और स्नो इकट्ठी हो रही है, इसकी वजह से ये बाहर बैठने का एरिया छोटा सा बनाया है। और ये है जी वॉशरूम। अच्छा, साफ सुथरा। और ये हमने 4 दिन के लिए बुक किया था, जो तकरीबन 5,500 करोन में पड़ा है। इसको आप खुद ही 26-27 हज़ार दे लेना, कितने बनते हैं। ऑनर भी बड़ा अच्छा है, उसने कॉल वगैरह करके पूछता रहा है, बताता रहा है किधर से आओ, किधर से कौन सी बस पकड़ो। बड़ी अच्छी जगह पे है, बस से 3-4 मिनट की वॉक है, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी फिट जगह है। अगर मैं लिंक दे दूंगा इस जगह का, अगर आपने आना हुआ तो आप आ सकते हैं। अभी थोड़ी सी रेस्ट करनी है, उसके बाद खाने पीने का कोई प्रोग्राम करना है, उसके लिए दोबारा फिर सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ी सी रेस्ट करनी है। हाँ जी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो रेस्टोरेंट सेंटर में है, लेकिन अभी एक छोटी शॉप है यूरोप्रिस के नाम से, उधर आया हूँ। कोई फ्रोज़न पिज़्ज़ा, कोई ये वो चीज़ें छोटी मोटी लेते हैं नाश्ता नुश्ता करने के लिए। 4 दिन हो कैसे गुजरने हैं, तो अभी अंदर जाता हूँ। बर्फ़ फुल तेज़ पड़ रही है, अभी अंदर जाके चीज़ें चीज़ें खरीदते हैं और देखते हैं फिर। One hour later.